वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं अफजल और आप देख रहे हैं अफजल एलएलबी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआरपीसी की धारा 107, 116 और 151 के तहत आरोपी व्यक्ति किस तरह से अपनी जमानत करा सकता है। एक्चुअली क्या है कि अगर कहीं पर भी कोई मारपीट होती है या फिर पुलिस को ऐसी कोई आशंका होती है कि कहीं पर शांति व्यवस्था भंग हो सकती है या फिर दोनों पक्ष आपस में संभलने वाले नहीं हैं या फिर इन दोनों में कोई बड़ी मारपीट हो सकती है, तो पुलिस सीआरपीसी की धारा 107, 116 के तहत चालाना कर देती है। ऐसे में आरोपी व्यक्ति अपनी जमानत कैसे करा सकता है? अगर आरोपी व्यक्ति जेल में जा रहा है या फिर उन्हें एसडीएम कोर्ट में या फिर एएसडीएम कोर्ट में प्रस्तुत किया जा रहा है या उसे गिरफ्तार करके लाया जा रहा है या फिर उसका चालाना किया जा रहा है, तब वह अपनी जमानत कैसे करा सकता है, ये सारा प्रोसेस विद ड्राफ्टिंग में इस वीडियो में आपको बताऊँगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की हुई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए समय ना गंवाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। अब अगर कहीं पुलिस को ऐसा लगता है कि इन लोगों की वजह से समाज में शांति व्यवस्था भंग हो सकती है या फिर शांति व्यवस्था भंग हो रही है, तो पुलिस क्या करती है? अगर अंदेशा है कि इन लोगों में शांति व्यवस्था भंग हो सकती है तो पुलिस सीआरपीसी की धारा 107, 116 के तहत कार्रवाई करती है। इसमें आरोपियों को एसडीएम कोर्ट या फिर एएसडीएम कोर्ट से जमानत करानी होती है। लेकिन अगर कहीं शांति व्यवस्था भंग हो रही है या फिर ऐसी कोई कंडीशन पैदा हो जाती है तो पुलिस दोनों पक्षों को गिरफ्तार करती है और उनका सीआरपीसी की धारा 107, 116 और 151 के तहत उनका चालाना करती है। यहाँ पर क्या है कि आरोपी व्यक्तियों की गिरफ्तारी होती है और यहाँ पर क्या है कि अगर आरोपी व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, ठीक है, उसके बाद उसे एसडीएम या फिर एएसडीएम कोर्ट में उपस्थित किया जाएगा या फिर उनको गिरफ्तार करके मान लीजिए कि ऐसी कोई सिचुएशन बन जाती है, आप अगर जमानत नहीं करा पाते हैं और आरोपी व्यक्तियों को जेल भेज दिया जाता है 151 में, तब आप जमानत कैसे कराएंगे? या फिर अगर गिरफ्तार कर लिया है और आपको जमानत करानी है उसी दिन, तब आप जमानत कैसे कराएंगे? या फिर मान लीजिए कि आपका सीआरपीसी की धारा 107, 116 के तहत सिर्फ चालाना किया है, ठीक है, आपकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है ना ही आप जेल में गए, तब आपको अपनी ज़मानत कैसे करानी है वो मैं प्रोसीजर आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए, मेरे पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट है यहाँ पर, ठीक है, सीआरपीसी की धारा 107, 116 और 151 के तहत किस तरह से आपको जमानत करानी है। तो यहाँ पर देख लीजिए, कंप्यूटर पर आपको एक एप्लीकेशन आपको दिख रही है, इस तरह से आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा किस तरह से, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है वह अदालत एएसडीएम कोर्ट एटा, एटा मेरा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, तो जिस कोर्ट से भी करा रहे हैं, ठीक है, तो वो आप डालेंगे एएसडीएम में, एएसडीएम कोर्ट से करा रहे हैं तो एएसडीएम कोर्ट में डालना है, अगर एसडीएम कोर्ट से करा रहे हैं तो आपको यहाँ पर एसडीएम कोर्ट डालना है, क्लियर कर लीजिए, ठीक है। और जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आपको डिस्ट्रिक्ट लिखना है, उसके बाद न लिख के और मुँह लिख के आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आप लिखेंगे सरकार और जो भी बस से जो अपोजिशन वाली पार्टी, आई मीन जो पुलिस ने जिसके खिलाफ़ चालाना किया है या जिसके खिलाफ़ कार्रवाई की है, उस आरोपी व्यक्ति का नाम यहाँ लिखेंगे। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं आपको ये ले लेता हूँ राहुल कुमार, ठीक है, ये एग्ज़ाम्पल है। यहाँ पर आप उस व्यक्ति का नाम ऐड करेंगे जिसके खिलाफ़ चालाना हुआ है या फिर जो कार्रवाई हो, चाहे वो 116 की हो या फिर 151 की हो। मैंने यहाँ लिख भी दिया है उदाहरण, यहाँ पर देख लीजिएगा जो मैंने ब्लू कलर में लिखा हुआ है यहाँ पर आपको चेंजेस करने हैं, ठीक है। उसके बाद इनका निवास स्थान लिखेंगे, जो भी इनका एड्रेस है, एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पर जो भी इनका थाना है वो थाना लिखेंगे। वैसे मैंने कॉलम बनाया नहीं है साइड से, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ना सरकार वर्सेज राहुल, ऐसे बराबर में नीचे आगे वाली साइड पे थाना लिख देंगे अगर आप लिखना चाहें तो, नहीं तो कोई बात भी नहीं है, ठीक है। उनके बाद उसके बाद इनका एड्रेस लिखेंगे, एड्रेस लिखने के बाद जिस तरह से मैंने यहाँ पर लगायत लिखी है 1 से लेकर 7 तक, इसी तरह से आपको लगायत लिखनी है। इसमें आप देखिएगा मैंने चौथी लगायत मैंने लिखी है और यहाँ पर मैंने इसको मेरे को पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आप समझ लें। आपको पूरा फॉर्मेट बिल्कुल इसी तरह से बनाना है और चौथी लगायत आप समझ लीजिए ताकि मैं आपको समझा दूँ किस तरह से आपको लिखनी है और कैसे करनी है। अगर चालाना जो हुआ है वो 151 यानी कि आरोपी व्यक्ति की गिरफ्तारी अगर हुई है या फिर आरोपी व्यक्ति को जेल में भेज दिया गया है गिरफ्तार करके, तब आपको ये लगायत आपको लिखनी है। किस तरह से लिखनी है वो समझ लीजिए। यह है कि प्रार्थी को थाना निदौली कला पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 151, 107, 116, ठीक है, सीआरपीसी के अंतर्गत चालाना करके पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अगर मान लीजिए कि पुलिस ने कोई लड़ाई दंगा हो रहा था, पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को गिरफ्तार कर लिया, अब क्या है पुलिस उनको एसडीएम कोर्ट या फिर एएसडीएम कोर्ट में प्रस्तुत करेगी, ये आपको पता होना चाहिए। आप पता लगा लीजिए कि आपका थाना किसके अधीन है, ठीक है, तो वहाँ पर पुलिस प्रस्तुत करेगी, वहाँ पर आप अपने जमानतियों को ले जा करके एक वकील करके आप अपनी ज़मानत करा सकते हैं, ठीक है।
पहला तरीका। इसमें क्या है कि एसडीएम पुलिस जो है गिरफ्तार करके 24 घंटे के अंदर एएसडीएम कोर्ट में प्रस्तुत करती है। ज़्यादातर मामलों में इस बात का ख्याल रखें कि अगर 5 बजे से पहले गिरफ्तारी हो रही है, आई मीन 5 बजे भी अगर गिरफ्तारी होती है तब भी वो एएसडीएम कोर्ट में प्रस्तुत कर देती है, जो भी एसडीएम कोर्ट है या फिर एसडीएम कोर्ट है वहाँ पर प्रस्तुत कर देती है। वहाँ पर आप अपने जमानतियों को पहले से ले जा करके आप आरोपी व्यक्ति की जमानत करा सकते हैं। लेकिन अगर आरोपी व्यक्ति, आप मान लीजिए कि किसी का 6 बजे चालाना हुआ या 5 बजे चालाना हुआ लेकिन एसडीएम कोर्ट में फंसे, उसे प्रस्तुत नहीं किया गया, तो पुलिस क्या करेगी, उसे अगर 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत होते हैं तो ठीक है, अगर नहीं होते तो उनको जेल भेज दिया जाता है। या फिर अगर आप जमानत नहीं करा पाते हैं या फिर आपको पता ही नहीं है और आपके घर का कोई भी सदस्य के खिलाफ पुलिस ने 151 के तहत चालान करके उसे हिरासत में ले लिया है और अगर आप अपनी जमानती नहीं ले जा पाते हैं तो पुलिस क्या करेगी, उन्हें जेल में भेज देगी। तब आपको यहाँ पर ये लिखना है कि चालान करके पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, ये आपको लाइन नहीं लिखनी। अगर जेल में है तो आपको ये लाइन नहीं लिखनी है, बल्कि ये लिखना है कि अंतर्गत चालाना कर, यहाँ पे लिखे अंतर्गत चालाना कर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, यहाँ पर ये लाइन आपको हटा देनी है, ठीक है। अगर गिरफ्तार करके हिरासत में ले लिया है तो आपको हिरासत वाली लाइन लेनी है, अगर जेल में है तो जेल वाली बात लिखनी है। यहाँ पर इन चीज़ों को इन्वॉल्व करना है। दूसरी बात, अगर चालाना 107 और 116 के तहत किया गया, मतलब कि अगर पुलिस ने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ सिर्फ कार्यवाही की है 107 116 की और कहा है कि आप जाकर के कोर्ट से, एसडीएम कोर्ट से अपनी जमानत करा लें, तब आपको क्या करना है, तब आपको ये लिखना है कि यह है कि प्रार्थी को थाना निदौली कला पुलिस ने CRPC की धारा 107 116 के तहत पुलिस ने कार्यवाही की है। बस यही आपको लिखना है चौथी ही लगायत में, बाकी की जो ऊपर नीचे की लगायत हैं वो सेम लिखना है इसमें। अगर 116 का मामला है तो उसमें आपको गिरफ्तारी वाली बात और जेल वाली बात आपको लिखनी ही नहीं, क्योंकि इसमें आप ना तो जेल गए हैं ना ही आपकी गिरफ्तारी हुई है, तो सिर्फ आप ये लिखेंगे कि यह है कि प्राथमिक निदौली कला की पुलिस ने आपके खिलाफ CRPC की धारा 107 116 के तहत कार्रवाई की है, ठीक है, सिर्फ इतना ही लिखना है। जेल में गए हैं, घर पे हैं, गिरफ्तार कर लिया है, कुछ भी नहीं लिखना है। अगर 151 का मैटर है, गिरफ्तार किया है, तभी आप लिखेंगे गिरफ्तार किया है। अगर आरोपी जेल में है तो आप लिख देंगे कि आरोपी गिरफ्तार करके आरोपी को जेल पे भेज दिया गया है, ठीक है। आगे पीछे की सारी लगायत आपको इस तरह से लिखनी है, सेम प्रार्थना यही रखनी है। उसके बाद यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा कि यहाँ पर क्या है, प्रार्थी जो भी है, ठीक है, उसके बाद द्वारा अधिवक्ता द्वारा दिया जाएगा, यहाँ पर जो भी वकील है वो अपना सिग्नेचर करेगा, अपना स्टैंप लगाएगा, डेट डाली जाएगी, इस तरह से आपकी जमानत अर्जी क्लियर हो जाएगी। समझ लीजिए यहाँ पर 107-16 का, अगर 116 का मैटर है तो यहाँ पर सिर्फ हमें जेल वाली बात को इन्वॉल्व नहीं करना है, ठीक है, बाकी का सारा कुछ ऐसा ही रहेगा, ठीक है। ये क्लियर हो चुका है, जितना भी इसमें ब्लू वाला ऑप्शन है इसको आप समझ लें कि किस तरह की कंडीशन है, उस हिसाब से उसे चेंजेस कर लें, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये एप्लीकेशन तैयार हो जाएगी। उसके बाद क्या है कि न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट, ये एक नोटिस है, इसको फिल करना है। इसको किस तरह से फिल करना है वो भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है राहुल कुमार, ठीक है, तो यहाँ पर जो बनाम करके लिखा हुआ है इससे आगे हम लिखेंगे सरकार और बनाम के बाद लिखेंगे हम राहुल कुमार, आई मीन जो भी आरोपी व्यक्ति का नाम है वो हम लिखेंगे। ये ध्यान रखना, ये जो न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट ये नोटिस है ये सिर्फ तभी देना है अगर आरोपी जो व्यक्ति है उसकी कार्रवाई 107 116 के तहत की गई है। अगर उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है और उसे जेल में नहीं है आरोपी, तब इस फॉर्म को आप लगा सकते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 ये लिखे हुए हैं। यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए कि आप एक व्यक्ति की जमानत करा रहे हैं, ठीक है, तो उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे, उसकी बल्दियत लिखेंगे और उसका एड्रेस लिखेंगे। अगर दो आरोपी हैं, ठीक है, तो दो आरोपियों के नाम लिख देंगे इसी तरह से उनका एड्रेस के साथ में। और यहाँ थाना लिखा हुआ है ना, पुलिस थाना है, तो जो भी थाने, जिस थाने की पुलिस ने कार्रवाई की है या जो भी चालाना किया है वो चालाना, आई मीन उस थाने का नाम हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप इस फॉर्म को 107-116 के तहत ही आप भर सकते हैं। अगर 107-116 के तहत पुलिस ने आप पर कार्रवाई किया, आई मीन अगर आपको ना तो गिरफ्तार किया है ना ही आपको जेल भेजा है, लेकिन फिर भी आपको एसडीएम कोर्ट से जमानत करानी पड़ रही है, तब आपको ये फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो ये का देख लीजिएगा, बस इसमें आपको इतना ही भरना है, ठीक है, फरी का नेम लिखना है और थाने का नाम लिखना है और जो भी आरोपी व्यक्ति हैं उनका नाम, बल्दियत और उनका एड्रेस, इस तरह से फिल करना है। ध्यान रखना, अगर मान लीजिए कि हम 2-3 लोग हैं आरोपी एक ही पक्ष में, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर किस तरह से फरीकों के नाम लिखेंगे वो समझ लीजिए। सरकार वर्सेस
राहुल कुमार आदि, ठीक है ना। यहाँ पर राहुल कुमार हैं और राहुल कुमार के साथ में भी 2-3 लोग और भी हैं, या एक राहुल कुमार से ज़्यादा अगर एक भी व्यक्ति है तो राहुल कुमार आदि लगा देंगे, ठीक है। इससे हम ये माना जाता है कि और भी लोग हैं। बाद में आप सारे नामों को यहाँ पर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा, ये है जमानतनामा, ठीक है। तो इसको किस तरह से फिल करना है, इस पर 10 रुपये की टिकट लगी हुई है, अगर नहीं लगी हुई है, अगर आपको ब्लैंक मिलता है तो आप इस पर 10 रुपये की टिकट लगाइए, ठीक है। और इसको किस तरह से फिल करना है, इसका मैं फॉर्मेट एक बार आपको दे दूँगा भरा हुआ। वेल, इसको आप देख लीजिएगा, मैं ब्लैंक में आपको समझा रहा हूँ ताकि आप समझ लें। यहाँ पर यहाँ न्यायालय लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको लिखना है ASDM कोर्ट एटा। अगर ASDM कोर्ट में है तो ASDM, अगर SDM कोर्ट में है तो SDM, जो भी कोर्ट है वो कोर्ट लिखना है। उसके बाद आप पूरी लाइन को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। बात संख्या लिखी हुई है यहाँ पर, कुछ भी आपको भरने की ज़रूरत नहीं। अगर चाहें तो जिस धारा में भी आपका चालाना हुआ है वो धाराएँ आप इसमें भर दें, अगर ज़रूर अगर आप लिखना चाहते हैं तो। वैसे तो इस ऑप्शन को भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो भी थाना, जिस थाने की पुलिस ने आपका चालाना किया है, उस थाने का नाम यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। जो पहले सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है थाना, बनाम के ऊपर जो थाना लिखा हुआ है, इसकी जगह पे आप जिस थाने की पुलिस ने आपका चालाना किया है उस थाने का नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर सरकार लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी आप सरकार लिख देंगे, ठीक है। और बनाम के बाद आप लिखेंगे राहुल कुमारी आदि, अगर बहुत सारे राहुल, बहुत सारे लोग हैं राहुल के साथ में, ठीक है, या फिर एक फाइल में एक पक्ष में कई सारे लोग हैं तो राहुल कुमार आदि रखेंगे। अगर राहुल कुमार अपनी खुद की जमानत करा रहा है लेकिन इस फाइल में बहुत सारे लोग हैं तब भी हम राहुल कुमार आदि ही रखेंगे, ठीक है। और राहुल कुमार अकेला है, एक ही पक्षकार है, जो भी पक्ष में हो या विपक्ष में हो, अगर एक ही व्यक्ति है और ना ही किसी इसके अलावा और किसी का भी चालाना नहीं हुआ है तो सिर्फ हम राहुल कुमार रखेंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा लोगों का चालाना हुआ है और एक ही पक्ष में है तो हम जो भी हम नाम लिख रहे हैं उसके साथ में हम आदि लगा देंगे। मतलब ये है कि एक टाइटल दिया जाता है, जैसे कि सरकार बनाम राहुल। अब इसमें उनके घर वाले पापा भी हो सकते हैं, ठीक है, भाई भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर उनके खिलाफ़ भी चालाना है तब भी हम टाइटल में वही रखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जब राहुल की ज़मानत कराने के लिए जा रहे हैं तो आपने राहुल का नाम लिख दिया और जब महेश की ज़मानत कराने के लिए जा रहे हैं उसी फाइल में उसी घर के व्यक्ति सदस्य हैं तो हमने उसमें महेश लिख दिया, महेश आदि। तो ऐसा नहीं है, फाइल का नाम हमें एक ही डालना है, सरकार बनाम राहुल आदि, राहुल कुमार आदि। इसमें हम चाहे महेश की कराएँ, चाहे राहुल के फादर की कराएँ, चाहे राहुल की मदर की हम ज़मानत कराएँ, टाइटल नहीं बदलेगा, टाइटल वही रहेगा, ठीक है। जो भी हम चूज़ करके डालते हैं या फिर जो भी बड़े हैं उनका नाम हम ऐड करते हैं, चाहे हम किसको भी बनाएं, चाहे राहुल को बनाएं, चाहे महेश को बनाएं, हमें टाइटल सिर्फ एक ही बनाना है। आई मीन जो फरीकन है वो हमें एक ही बनाना है, सरकार बनाम राहुल कुमार आदि। अगर राहुल के साथ और भी हैं, अगर अकेला है तो सरकार बनाम राहुल, ठीक है, राहुल कुमार, इस तरह से हम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो मैं लिखा हुआ है सरकार के नीचे, यहाँ पर जो भी जमानती हैं, इसके साथ क्या होता है कि अगर एक आरोपी है, चाहे वो 107 हो, 116 हो या फिर 151 हो, ठीक है, एक जमानत मतलब एक आरोपी की जमानत के लिए दो जमानतियों की ज़रूरत पड़ती है, दो लोग जमानत लेते हैं एक आरोपी की, तो ठीक है। तो उनके लिए क्या होना चाहिए, या तो मतलब ये है कि उन पर 1,00,000 की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मतलब कि या तो उनके पास बैनामा हो, ठीक है, बैनामा की फ़ोटोकॉपी लग जाएगी। अगर उनके पास बैनामा नहीं है लेकिन अगर उनके नाम पे कोई और प्रॉपर्टी है, खेती बाड़ी है, तो उसकी अगर फद हो तो फद निकाल के लगवा सकते हैं, ठीक है। तो अब ये देख लीजिएगा कैसे कैसे भरना है। जहाँ पर लिखा हुआ है मैं की जगह पर वो अपना नाम डालेंगे, फद के अनुसार नाम पड़ेगा, ठीक है। जो भी जमानती हैं वो अपना नाम ऐड करेंगे, या फिर अगर वकील है तो वकील क्या करेगा, उन जमानती का नाम यहाँ ऐड करेगा और वो किसके पुत्र हैं वो डालेगा। उसके बाद उनका एड्रेस फिल करेगा, एड्रेस में चाहे तो शॉर्टकट में अगर गांव का नाम भी डाल दें तो चल जाएगा, ठीक है, शॉर्टकट में, और फिर भी जैसे चाहें वैसे आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद थाना, यहाँ पर जो थाना पड़ेगा वो किसका थाना पड़ेगा, जो जमानती है जिसका हम ये फॉर्म फिल कर रहे हैं उसका हम यहाँ पर थाना डालेंगे। उसके बाद जिला, वो किस जिला का रहने वाला है, जो भी जमानती है वो किस जिला का रहने वाला है। उसके बाद वो किसकी जमानत ले रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है अपने को बाध्य करते हैं कि अभियुक्त, यहाँ पर आरोपी व्यक्ति है उसका नाम है यहाँ पर ऐड करेंगे। उसके बाद जो नीचे लिखा हुआ है ना इसमें हम लिख देंगे 6 मंथ, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे 6 मंथ। उसके बाद जो इसमें लिखा हुआ है इसमें भूल चूक करें रुपए अंकन, ठीक है, ये लिखा हुआ है, इसकी जगह हम लिख देंगे 1,00,000 रुपये, क्योंकि ये एटा में 1,00,000 रुपये यहाँ पर SDM ADM कोर्ट में जो जमानतें कराई जाती हैं ये
SDM और ADM पर निर्भर करता है कि वो किस तरह की जमानत लेंगे। तो यहाँ पर जो है वो 1 लाख है, तो आप ये कंफर्म कर लीजिएगा कि आपके यहाँ पर जो SDM और ADM कोर्सेज 116 की जमानत जो होती हैं उसमें कितने की जमानत भरी जाती है, तो वो आप बता देंगे कि 50,000 कहीं 20,000 है। वैसे एटा में 1 लाख है तो मैं यहाँ पर 1 लाख भर दूँगा, ठीक है, 1 लाख रुपये। सन 19 डाल दीजिएगा, यहाँ पर दिनांक डाल दीजिएगा। दिनांक डालने के बाद यहाँ जो ईस्वी लिखा हुआ है, ईस्वी के जस्ट नीचे जो भी जमानती है वो अपने सिग्नेचर करेगा, ठीक है। और सिग्नेचर करने के बाद अब मान लीजिए कि अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है, अगर उसका कोई प्लॉट है, तो प्लॉट की लोकेशन कहाँ पर है वो प्लॉट, ठीक है, उसका परगना कौन सा पड़ता है, ठीक है, उसकी तहसील कौन सी पड़ती है और उसका ज़िला कौन सा है। अगर फद है तो फद में देख लीजिएगा कि प्रॉपर्टी किस मौजा में है, तो वो हमें मौजा यहाँ पर लिखना है। उसके बाद वो किसके, वो कौन सा परगना के क्षेत्र में आता है, तो परगना। उसके बाद तहसील, जो भी प्रॉपर्टी है वो किस तहसील के दायरे में आती है, तो वो तहसील का नाम लिखेंगे और ज़िले का नाम लिखेंगे। समझ लीजिए ये जो नीचे वाला कॉलम है ये प्रॉपर्टी के हिसाब से भरा जाएगा, जिस मौजा में प्रॉपर्टी है, जिस परगना क्षेत्र में आती है, जो भी तहसील के क्षेत्र में आती है और जो भी ज़िला है वो हमें यहाँ पर फिल करना है। और यहाँ पर जिस जमानती का हमने ये फॉर्म भरा है उस जमानती का फोटोग्राफ यहाँ पर हम लगाएंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा फोटो के नीचे भी लिखा हुआ है 107 116 151 में भी हम इसी फॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस तरह से एक पेपर भर जाएगा, यानी कि एक जमानती का पेज कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 2 बार सिग्नेचर कराने हैं, जो जमानती है वो 2 बार सिग्नेचर करेगा, 2 जगह करेगा। एक तो यहाँ करेगा ईस्वी जो लिखा हुआ है इसके नीचे, और दूसरा यहाँ पर साइड से लिखा हुआ है हस्ताक्षर, तो यहाँ पर जो जमानती है वो सिग्नेचर करेगा। तो एक पेज पे प्रिंट पे 2 बार सिग्नेचर करेगा, ठीक है, और पीछे भी 2 बार ही सिग्नेचर होंगे पीछे, ठीक है ना। और वहाँ पर क्या है कि वकील उसे आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है, अपने सिग्नेचर करेगा, अपनी स्टैंप लगाएगा। और प्रिंट पर भी यही काम, प्रिंट पे भी होना है कि प्रिंट पर जहाँ पर लिखा हुआ है ना हस्ताक्षर अधिवक्ता, यहाँ पर भी वकील क्या करेगा, अपनी स्टैंप लगाएगा और अपने सिग्नेचर करेगा। इसकी बैक साइड पर जो ब्लैंक पेज होगा उस साइड पे क्या है कि कहीं पर 2 जगह पे आमने सामने जो जमानती है वो 2 बार सिग्नेचर करेगा, ठीक है, और उनको उसके एक सिग्नेचर को वकील आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। इतना काम क्लियर कराना है, ठीक है। तो ये एक जमानती का काम हो गया। ऐसे ही 2 जमानतियों के पेपर्स इस तरह से भर लिए जाएंगे, क्योंकि एक आरोपी पर 2 लोगों के पेपर्स लगते हैं, ठीक है। जब आप ये कंप्लीट करा लें, और कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये है मुचलका जिसे बोलते हैं, इस पर लिखा हुआ है शांति बनाए रखने हेतु, बनाए रखने के लिए बंदनामा, जिसे हम मुचलका भी बोलते हैं। तो इसका इस तरह का फॉर्मेट होता है। अब इसको आपको किस तरह से फिल करना है वो आप देख लीजिएगा। ये न्यायालय लिखा हुआ है यहाँ पर, जिस कोर्ट से भी आप जमानत करा रहे हैं वो यहाँ पर आपको फिल करना है। मतलब ये है कि अगर आप SDM कोर्ट से फिल करा रहे हैं तब तो आपको लिखना है SDM कोर्ट एटा, अगर आप ASDM कोर्ट से जमानत करा रहे हैं तो आपको लिखना है ASDM कोर्ट एटा, ठीक है। उसके बाद सरकार लिखा हुआ है पहले से, बनाम में जो भी आप लिख रहे हैं राहुल कुमार, अगर अपनी सेपरेट जमानत करा रहे हैं और वो अकेले हैं तो अपना नाम उनको अपना डालेंगे, और बहुत सारे लोग हैं लेकिन हैं राहुल के पक्ष में ही, तो राहुल कुमार आदि लिख दिया जाएगा। जैसे भी फॉर्मेट है, जो वो ही फरीकन है, वो सेम फरीकन हम सब पे एक जैसा फरीकन लिखेंगे, ऐसा नहीं कहीं पर हमने राहुल कुमार आदि लिख दिया, कहीं राहुल लिख दिया और कहीं पे कुछ लिख दिया। फरीकन नेम जो टाइटल नेम है केस का वो हम एक जैसा लिखेंगे, सरकार बनाम राहुल, राहुल कुमार या जो भी है, या राहुल कुमार आदि है वो हम लिखेंगे। उसके बाद हम जो भी आरोपी व्यक्ति है जिसकी हम जमानत करा रहे हैं, ठीक है, उसका हम थाना लिखेंगे, वो किस थाना से संबंधित है, मतलब किस थाना की पुलिस ने उसका चालाना किया है, उस थाने का नाम हम यहाँ पर ऐड करेंगे। समझ लीजिए जिस थाना की पुलिस ने उसका चालाना किया है उस थाने का हम नाम लिखेंगे। क्योंकि मुझे अब यहाँ पर क्या है, हम आरोपी व्यक्ति का नाम ऐड करेंगे, अब इसके बाद इनके पिताजी का नाम ऐड करेंगे, उसके बाद इनका एड्रेस हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, उसके बाद इनका कौन सा थाना पड़ता है वो थाना हम ऐड करेंगे, उसके बाद इनका ज़िला कौन सा है वो हम ज़िला इस यहाँ पर ऐड करेंगे। नीचे हम क्या करेंगे, नीचे हम यहाँ पर दिनांक डालेंगे, जो भी डेट है जिस डेट में हम ये सबमिट कर रहे हैं पेपर। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यदि इसमें चूक करूँ तो मैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मैं और डॉट 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 करके लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम 1 लाख रुपये लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, 1 लाख रुपये अंकों में लिख दीजिएगा चाहे शब्दों में लिख दीजिएगा, ठीक है, 1 लाख रुपये। तो इस तरह से ये मुचलका कंप्लीट हो जाएगा। जब ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, और साथ में आपको इस बात का ख्याल रखना है कि अगर जो जमान 2 लोग जमानती होंगे तो दो जो या तो दोनों लोग
या फिर किसी जो जमानत जो लेंगे वो उनकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, या तो उनके नाम पे कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो जिसकी कीमत 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए या फिर 1 लाख रुपए इससे ज़्यादा की हो, या फिर अगर ज़मीन प्रॉपर्टी ऐसा कुछ है फद निकलवा सकते हैं, या फिर मकान का कोई बैनामा हो तो उसकी फ़ोटोकॉपी लग जाएगी जमानतियों की, ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए कि फद लगाते हैं तो फद पे क्या करेंगे कि 1 रुपए की हम टिकट लगाएंगे और उस पर हम फ़ोटो भी ऐड करेंगे। अगर हम बैनामा लगा रहे हैं तो बैनामा पर हम 1 रुपए की टिकट लगाएंगे और उस पर हम जो है उनका जो भी जमानती है जिसका भी जो भी जमानत ले रहा है उसका हम एक फ़ोटो उस पर भी हम ऐड करेंगे, ठीक है। मतलब ये है कि जो जमानतनामा है उस पर हम तो जमानती, एक तो इस पर फ़ोटो लग जाएगा जमानती का, और एक फ़ोटो फद पर या फिर बैनामा पर लग जाएगा, जो भी हम प्रॉपर्टी का कागज उसका ऐड कर रहे हैं उस पर वो फ़ोटो लग जाएगा और उस पर 1 रुपए की टिकट भी लगेगी फद पर। आई मीन एक केस में दो, एक आरोपी की जमानत कराने के लिए दो जमानतियों की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए उनकी अगर एक फद होती है, मतलब एक ही फद में दोनों लोगों के नाम है, दोनों जमानतियों के नाम है, तो उसमें सिर्फ 1 रुपए की टिकट लगाएंगे और दोनों जो जमानती हैं उस एक ही फद पर दोनों लोगों के फ़ोटो लगा देंगे, ठीक है, अगर एक फद में नाम है। लेकिन अगर अलग अलग फद में नाम है तो फिर हम अलग अलग दोनों में ही 1-1 रुपए की जो टिकट लगाएंगे और हम दोनों में ही जो है फ़ोटो ऐड करेंगे, ठीक है ना, जिसका जिस फद में नाम है उसके हिसाब से हम उसमें खाली जगह देख के वहाँ पर हम फ़ोटो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे ऊपर हमारे पास क्या हो जाएंगे कि दोनों के जमानतनामा हो जाएंगे 1-1 पेज, ठीक है, और मुचलका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर दोनों लोग अपनी अपनी फद लगा रहे हैं और अपनी अपनी सेपरेट लगा रहे हैं तो उस पर फ़ोटो लगा होना चाहिए, 1-1 रुपए की टिकट लगानी चाहिए, यानी कि दो हम फद ऐड करेंगे साथ में, और उनके आधार कार्ड सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, मतलब कि उस पर वो जो भी आधार कार्ड है वो उन पर वो साइन कर लें, ठीक है, और साइन करने के बाद आप इससे पंच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जमानतनामा लगा रहे हैं, ठीक है, मुचलका लगा रहे हैं, ठीक है, दोनों की फदें लगा रहे हैं विद फोटोग्राफ, और साथ में हम उनके आधार कार्ड लगा रहे हैं सेल्फ अटेस्टेड। उसके बाद वकील अपना वकालतनामा लगाएगा, ठीक है, और जो नोटिस है, ठीक है, उसे हम सबसे ऊपर लगाएंगे नोटिस को। उसके बाद उससे ऊपर क्या लगाएंगे, हमने जो सबसे पहले जो एप्लीकेशन लिखी थी वो एप्लीकेशन हम सबसे ऊपर लगाएंगे। ये दस्तावेज कंप्लीट हो गए हैं 107, 116 या 151 के केस में जमानत पाने के लिए। अब आपको क्या है, ये आपने कंप्लीट कर लिया, अब आपको कोर्ट से जो भी आपने जमानतनामा लिखा है, तैयार किया है, जो भी आपने भरे हैं, इसको आपको तस्दीक कराना है, ठीक है। अब आप उसको तस्दीक कराने के लिए आप कचहरी पे जाइए, पूछ लीजिएगा कि ये तस्दीक कहाँ होते हैं। वो आप जो अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति की अगर आप जमानत करा रहे हैं तो दो इसमें जमानतनामा है, यानी कि दोनों जमानती हैं वो तस्दीक होंगे जमानत पत्र। तो इसके लिए क्या है कि कचहरी पर आप तस्दीक करा सकते हैं, इसके लिए आपको 10 से 20 रुपए तक का चार्ज आपसे वसूला जा सकता है, तो वो जमानतियों से लिया जाता है। तो अगर दो जमानती तो 40 रुपए, अगर हम 20 रुपए के हिसाब से लेके चलते हैं तो 40 रुपए वहाँ पर लग जाएंगे, वैसे वो तस्दीक कर देगा, मोहर वोर अपनी लगा देगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना है कि एक जमानतनामा पे 4 सिग्नेचर होंगे, 2 आगे और 2 पीछे, ठीक है। एक आधार कार्ड पे सिग्नेचर होगा, एक जमानती के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। एक जमानती क्या करेगा, एक जमानत पत्र पर 2 आगे सिग्नेचर 2 पीछे सिग्नेचर, आधार कार्ड पे भी सिग्नेचर होगा, फद पर कोई सिग्नेचर नहीं होगा, ठीक। इस तरह से आप जमानती पेपर्स कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कोर्ट जाना है, ठीक है, और जो भी SDM कोर्ट है या फिर ASDM कोर्ट है वहाँ पर आपको ये दस्तावेज़ देने हैं, दोनों जमानतियों को आपको शो करना है, ठीक है। अगर जो भी आरोपी व्यक्ति है और उसका चालाना 107 116 के तहत हुआ है तो आरोपी व्यक्ति साथ होना चाहिए, ठीक है, वो देखते हैं। अगर उनकी हिरासत में है तो फिर वो कोई दिक्कत नहीं, फिर आपको दिखाने की, वो आपके कागज़ रिसीव कर लेंगे। और अगर कोई क्वेरी करते हैं तो आप उसका सफिशियंट आंसर दीजिए, जिससे कि ऐसा लगे कि हाँ आप में कोई अंदेशा नहीं है या फिर पुलिस ने ये झूठा चालाना आपके खिलाफ़ कर दिया है, ठीक है। जनरली इस तरह की कार्रवाई में आपको ज़मानत मिल जाती है, ऐसा नहीं है कि आपको ज़मानत ना मिले। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए कि अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि इन लोगों में वाकई में कोई बड़ा झगड़ा हो सकता है तो पुलिस एक अलग से एक स्पेशल रिकमेंडेशन भेजती है कि इनको 2 या 3 दिन की जेल में रख दिया जाए, इनमें कोई बड़ा जो है हादसा हो सकता है। तो हो सकता है कि SDM कोर्ट जो थाने की जो रिकमेंडेशन है उनको मानते हुए आपकी ज़मानत अर्जी खारिज कर दे। लेकिन ऐसा केस बहुत कम ही मामलों में ऐसा होता है, वैसे ज़्यादातर इस तरह के मामलों में आरोपी को ज़मानत मिल जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस है जमानत कराने का CRPC की धारा 107, 116 और 151 के केस में।
तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलता हूँ कि नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।